जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के प्रतिभाशाली युवा सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में कुछ दिलचस्प फैक्ट्स। ऋतुराज गायकवाड़ का जन्म 31 जनवरी 1997 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। उनके पिता दशरथ पूर्व डीआरडीओ अफसर हैं और माता सविता गायकवाड़ प्राइमरी स्कूल में टीचर है। ऋतुराज की एक बहन भी है। ऋतुराज की गर्लफ्रेंड का नाम उत्कर्षा है और अक्सर ऋतुराज उनके साथ अपनी पिक्स सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। ऋतुराज ने 5 साल की उम्र से ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि जब वे 6 साल के थे तब टीवी पर ब्रेंडन मैकुलम को ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध बल्लेबाजी करते देख बेहद प्रभावित हुए और क्रिकेट की तरफ और आकर्षित हो गए। 11 वर्ष की आयु में अपनी बल्लेबाजी को संवारने के लिए ऋतुराज ने वेंगसरकर क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की और जल्द ही महाराष्ट्र अंडर 16 टीम में खेल अंडर 19 टीम के लिए अपना रास्ता तय किया। 2014 की कूच बिहार ट्रॉफी से ऋतुराज ने सुर्खियां बटोरनी शुरू की। उन्होंने 3 शतक और 1 अर्धशतक के साथ 82.6 के औसत से कुल 826 रन बनाए और इसके अगले साल भी अपना बेमिसाल प्रदर्शन जारी रखते हुए 97.22 के औसत से 4 शतक और 3 अर्धशतक के साथ 875 रन बनाकर महाराष्ट्र की सीनियर टीम में अपनी जगह सुनिश्चित की। 2016 की रणजी ट्रॉफी में झारखंड के विरुद्ध महाराष्ट्र के लिए ऋतुराज ने अपना प्रथम श्रेणी पदार्पण किया, लेकिन दुर्भाग्यवश पहली पारी में ही वरुण आरन की एक बाउंसर से ऋतुराज की उंगली में फ्रैक्चर हो गया और वे टूर्नामेंट से बाहर हो गए। 2017 में फिर मुंबई के विरुद्ध ऋतुराज ने अपना T20 पदार्पण किया। 2017 की विजय हजारे ट्रॉफी में महाराष्ट्र के लिए हिमाचल प्रदेश के विरुद्ध ऋतुराज का शानदार पदार्पण हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए महाराष्ट्र ने 50 ओवर में 376 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसमें डेब्यूटान ऋतुराज ने 110 गेंदों में 7 छक्कों और 12 चौकों के साथ 132 रन की मैराथन पारी खेली। ऋतुराज के शानदार घरेलू प्रदर्शनों के बावजूद उन्हें आईपीएल ऑक्शन में खरीदा नहीं जा रहा था। 2019 की आईपीएल नीलामी में चेन्नई सुपर किंग्स टीम ने पहली बार ऋतुराज को 20 लाख के उनके बेस प्राइस में सिर्फ इस कारण लिया था क्योंकि उन्हें अपने दल के खिलाड़ी पूरे करने थे। इस सीजन में ऋतुराज को एक भी मैच खेलने का अवसर नहीं मिला, लेकिन 2020 के आईपीएल से ऋतुराज लगातार सीएसके के लिए ओपनिंग कर आक्रामक बल्लेबाजी करते आ रहे हैं। ऋतुराज ने अपनी आकर्षक और आक्रामक बल्लेबाजी का एक बेहतरीन मुआयना श्रीलंका ए टीम के 2019 भारत दौरे पर तब दिखाया जब इंडिया ए के लिए ओपनिंग करते हुए उन्होंने मात्र 136 गेंदों में 26 चौकों और 2 छक्कों के साथ नाबाद 187 रन की विशालकाय पारी खेली। ऋतुराज के सबसे पसंदीदा क्रिकेटर हिटमैन रोहित शर्मा और आधुनिक युग के महान कीवी बल्लेबाज केन विलियमसन हैं। ऋतुराज मानते हैं कि अगर वे क्रिकेटर नहीं बन पाते तो शायद गोल्फ प्लेयर बनते, क्योंकि वो क्रिकेट के साथ ही गोल्फ भी अच्छा खेल लेते हैं। था इस वीडियो का अंत। क्रिकेट से जुड़े अन्य वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जय हिंद।